बनोध्या वेश्य सभा दिल्ली सामाजिक कार्यों के साथ साथ वह धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता रहता है। इस वर्ष कोरोना काल के अंदर गणेश चतुर्थी का एक भव्य आयोजन दिल्ली में किया गया। कोरोना काल के कारण यह कार्यक्रम, यह उत्सव, यह धार्मिक आयोजन गणेश चतुर्थी का सीमित लोगों के कारण आयोजित हुआ, जिसमें संस्था के कुछ सदस्य शामिल ना हो सके। गणेश चतुर्थी का आयोजन बनोध्या वैश्य सभा दिल्ली के कोषाध्यक्ष मदन गोपाल द्वारा अपने निवास स्थान पर आयोजित किया गया, जिसमें आस पड़ोस के अलावा संस्था के अनेक पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संस्था के संस्थापक अशोक कुमार वैश्य, अध्यक्ष सतीश वैश्य, उप प्रधान रतनलाल यह शामिल नहीं हो सके। कारण सरकार की ओर से 60 वर्ष से ऊपर के लोगों को किसी भी आयोजन या बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी। संस्था के महासचिव रवि कुमार गुप्ता ने बताया कि यह एक भव्य कार्यक्रम था और भव्य कार्यक्रम के साथ ही इसमें आसपास के लोगों ने तथा संस्था के अनेक पदाधिकारियों और सदस्यों ने हिस्सा लिया। कोरोना काल के कारण सीमित लोगों के उपस्थिति के बाद भी यह आयोजन अपने आप में गरिमापूर्ण रहा। पूरे विधि विधान से नियमों का कोरोना काल के कारण जो सरकार की ओर से नियम कानून बनाए गए थे उसका पालन किया गया, ताकि किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो और गणेश मूर्ति का विसर्जन पूरे विधि विधान के साथ घर के अंदर ही पानी के अपने एक बड़े बर्तन के अंदर विसर्जित किया गया। इस कोरोना काल में सरकार की ओर से अनेक तरीके की नियम और कायदे तय किए गए थे, जिसका पूरी तरह से अनुपालन किया गया। संस्था के महासचिव रवि कुमार की ओर से कहा गया कि आगामी वर्ष संभावना है कि यह और भव्य रूप से मनाया जाए। संस्था के कोषाध्यक्ष मदन गोपाल द्वारा यह भव्य उत्सव पर खुशी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अगले वर्ष इससे भव्य मूर्ति का हम स्थापना करेंगे और संस्था के सभी सदस्यगण इसमें शिरकत तो लेंगे ही लेंगे, आस पड़ोस तथा अन्य सदस्य भी इसमें सम्मिलित होकर पुण्य के भागीदार होंगे। कुतुब मेल की यह विशेष रिपोर्ट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.